हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, और मैं जो रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है एजेंट रेरा रजिस्ट्रेशन। मतलब आप रियल एस्टेट एजेंट बन रहे हो तो रेरा रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा रेरा रजिस्ट्रेशन करके देने में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि रेरा एजेंट का जो एग्ज़ाम है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रेरा एजेंट, जब आपने रेरा नंबर ले लिया एज एन एजेंट, तो ये ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम दें। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका जो रेरा नंबर है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम दें। अब एग्ज़ाम्स जो है उनके, जो एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना है, फ़ीस भी भरना है। जी हाँ, फ़ीस भी भरना है। तो एग्ज़ाम के कुछ डेट्स हैं, तो मैं आपको वो डेट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो डेट्स है, फ़िलहाल हम 19 नवंबर 2023 में हैं। तो आप जब, सबसे पहले तो जो लिंक है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का, वो मैं नीचे दे रहा हूँ। इस लिंक पर जाके आप रेरा एजेंट के लिए, एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो फ्रेस फोर ऑफ एग्ज़ाम है वो ओपन है 27 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। इसके अंदर आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट जो है वो लास्ट 26 नवंबर तक कर सकते हैं, और आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिंट करने की भी डेट 26 नवंबर है, और रजिस्ट्रेशन की भी डेट 26 नवंबर है। अभी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है रेरा का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करने से पहले। आपके पास में आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। ये जो फ़ोटोग्राफ है ये 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। साथ में आपको ये फ़ोटोग्राफ अपने स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे सेव करके रखनी है, कलर फोटोग्राफ। इसके अलावा आपकी जो सिग्नेचर है, आपको सिग्नेचर करके उसको भी स्कैन करके रखना, मतलब पेपर पे साइन करो, वो ब्लैक पेन से करो, ठीक है, और उसको भी स्कैन करके रखो। इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन देना है। तो सिग्नेचर जो आप करेंगे, इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आप कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक डिक्लेरेशन देना है आपकी हैंड राइटिंग में। वो डिक्लेरेशन में होगा मैं, इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आई समीर, जैसा आपके रेरा सर्टिफिकेट में आपका नाम है वैसा नेम होना चाहिए। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो आपको देना है ये इंग्लिश में ही लिख के देना है, आपकी हैंडराइटिंग में ही देना है, किसी और की हैंडराइटिंग में नहीं देना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको जो है वो आपका डेफिनेटली आपका रेरा का सर्टिफिकेट, आपका रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए हैंडी, जब भी आप ये रेरा का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा वेबसाइट पर भी एक गाइडलाइंस दी हुई है जो आप देख सकते हैं। ये जो डिक्लेरेशन आप देंगे ये आपको आपके प्लेन पेपर पे आपके हाथ से लिखकर उसको स्कैन करके रखना है, और स्कैनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, अपलोडिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल होना चाहिए रेरा एग्ज़ाम देने से पहले। मतलब आपकी जो रेरा सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए, अगर आप पुराने रेरा रजिस्टर्ड एजेंट है तो। और आपको पहले रेरा रजिस्ट्रेशन भी करवाना एग्ज़ाम से पहले, और आपके जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा ये प्रोविजनल होगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते। तो दोस्तों, बेसिक मैंने आपको ये डिटेल्स बताने की कोशिश की है रेरा एग्ज़ाम से रिलेटेड। आगे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप लिंक पे जाके और जानकारी देख सकते हो, और आपको अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।